तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, ऐसी सुनामी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये वैसा दौर देखने को मिल रहा है जब गदर फर्स्ट आई थी, DDLJ आई थी, सोले मूवी आई थी और थिएटर बाहर पब्लिक से खचाखच भरा था। साथ ही लगातार हाउसफुल सोच भी चल रहे थे। जी दोस्तों, गदर 2 ने हिस्ट्री रिपीट करी है कसम से। और सनी पाजी ने दहाड़ कर बताया कि 90s के हीरो का दम ये होता है बॉलीवुड में नेपोटिज्म घुसेड़ने वालों। जी दोस्तों, OMG 2 और गदर 2 धमाका कर रही हैं रोज ही, ना कि सिर्फ सिनेमाघर में बल्कि बॉक्स ऑफिस में भी। तो आज पहले बात करेंगे गदर 2 के बारे में। द जायंट मूवी गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ कमाल ही नहीं कर रही है, धमाल भी कर रही है। और भाई साहब, ऐसी सुनामी आज तक हमने कभी नहीं देखी थी। कौन पठान, कौन KGF, इन सबको पीछे छोड़कर जो आगे बढ़ रही है मूवी, नंबर रोज देखने लायक हो रहे हैं। जबकि सामने OMG 2 और जेलर जैसी धमाकेदार मूवी होने के बाद भी गदर 2 ने बॉलीवुड इतिहास में जो हिस्ट्री क्रिएट करी है, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करी है आफ्टर पठान इन 2023, अमेजिंग है। इस साल की दूसरी सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी उभर कर सामने आ रही है और रोज ऐसा ही आंकड़ा अगले 10 दिन तक लगातार देखने को मिल गया तो शायद ये मूवी इस साल की नंबर 1 ग्रॉसर बनकर उभर कर आ सकती है सामने। ऐसा लग रहा है ये वही दौर आ गया है जब 2001 में सेम ऐसी खलबली मची थी मूवी देखने के लिए गदर के फर्स्ट पार्ट को। शोज लगातार हाउसफुल चल रहे थे जी दोस्तों, और मूवी सुबह 6 बजे से थिएटर में लगा दी गई थी अपने ओपनिंग डे में, क्योंकि ये मूवी सिर्फ मूवी नहीं रह गई है, अब एक इमोशन बनके उभर रही है पूरे भारत में, जिसे जनता 2001 में छोड़कर आ गई थी और अब वो सब दोबारा से रिकॉल हो रहा है। क्योंकि गदर फर्स्ट ऐसी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी, आप सभी जानते हैं, और इसी के साथ हमारी खुद की बचपन की कितनी यादें जुड़ी हुई हैं और एक कनेक्शन, एक इमोशन हम सब फील कर रहे हैं इस फिल्म से। भाई अमेजिंग, मजा आ गया। इसे कहते हैं क्रेज, इसे कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड एंड इमोशन। वाकई में दोस्तों, गदर मूवी नहीं है, एक इमोशन है। जी दोस्तों, मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में लगभग 100 करोड़ के खर्चे पर बनाया गया है और मूवी को 4000 स्क्रीन पर रिलीज कराया गया था अपने पहले दिन से। बावजूद OMG 2 के क्लैश होने के बाद मूवी ने अपने पहले ही दिन एडवांस से 23 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन करा था और अपने पहले दिन में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से 42 करोड़ तक का कलेक्शन अपने खाते में रखा था। इसी के साथ दोस्तों, पूरी दुनिया से 60 करोड़ तक का कलेक्शन सिर्फ अपने पहले दिन में करा था मूवी ने। और दोस्तों, इसी के साथ अपने पहले दिन इतिहास लिखा है। जी हां दोस्तों, लगभग 25 लाख से ऊपर टिकट बेचा था अपने पहले दिन में। दोस्तों, दूसरे दिन भी अनबिलीवेबल नंबर सामने रखे गए और सेकंड डे 11,000 से ऊपर सोच अपने नाम करते हुए 52 करोड़ का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन करा था मूवी ने अपने दूसरे दिन में, जो कि इस साल की मॉन्स्टर पठान के दूसरे दिन कलेक्शन के रिकॉर्ड को भी खदेड़ता है। गदर 2 वाकई में जो गदर मचा रही है भाई, बहुत मजा आ रहा है। और भाई साहब, मैं कल यानी गदर 2 के तीसरे दिन की ग्रोथ बताऊं तो कल तो बवाल मचाया है मूवी ने भाई, अमेजिंग। एक तो कल संडे था तो उसका फुल एडवांटेज मिला है मूवी को। कुछ जगह तो सुबह 1 बजे से शोज चलाए जा रहे हैं, इतनी ज्यादा बुकिंग्स आ गई हैं। और राजहंस जैसे सिनेमाघर में तो 2400 घंटे लगातार मूवी चलाई जा रही है, फुल हाउसफुल शो चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कल अपने तीसरे दिन में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से 50 करोड़ तक का आंकड़े को अपने खाते में रखा था। इसी के साथ ऑल इंडिया ग्रॉस से अपने तीसरे दिन में लगभग 65 करोड़ का आंकड़ा टच करने में सफल हुई थी मूवी एंड ऑफ द डे तक। जी हाँ दोस्तों, इस साल फिल्म ने बॉलीवुड इतिहास का सबसे बड़ा संडे अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ अभी तक पहले 3 दिन का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 134 करोड़ के आंकड़े को टच कर दिया है मूवी ने और पहले 3 दिन का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन लगभग 165 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। तो भाई साहब, जिस स्पीड से ये मूवी आगे बढ़ रही है, पठान कौन थी लोग भूल जाएंगे। बात करें वहीं पूरी दुनिया में कैसी ग्रोथ कर रही है मूवी, तो यस, अभी तक पहले 3 दिन में मूवी ने 190 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लिया है। दोस्तों, नो डाउट सनी पाजी की फैन फॉलोइंग सॉलिड है। बात करें आज यानी Day 4 के बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की, तो यस, आज भी 16 करोड़ का एडवांस अपने खाते में रखते नजर आ रही है मूवी। और सिर्फ एडवांस को मिला के ये फिल्म अभी तक 206 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम कर चुकी है और ब्लॉकबस्टर हिट का टैग अपने नाम कर चुकी है। जी दोस्तों, पब्लिक की तरफ से आज भी पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं मूवी ने। आज चौथे दिन भी सिर्फ अच्छी खासी कमाई नहीं करी है, बहुत अच्छी ग्रोथ करते नजर आ रही है मॉर्निंग से ही। आज लगभग 45-40% की ऑक्यूपेंसी रेट के साथ मूवी गदर मचाने के लिए तैयार बैठी है और आफ्टरनून और इवनिंग में भी काफी सोच अपने खाते में रखते नजर आ रही है। जहां दोस्तों, जनता गदर 2 को भर भर के प्यार दे रही है। फैमिली टुगेदर ऑडियंस फर्स्ट चॉइस है गदर 2। इसी के साथ आज एंड ऑफ द डे तक लगभग 35 करोड़ का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करते नजर आ रही है मूवी अपने एंड ऑफ द डे तक। और पहले 4 दिन में नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 170 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लेगी इजिली।
इसी के साथ पूरी दुनिया से 45 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आ रही है मूवी एक बार फिर अपने चौथे दिन में एंड ऑफ द डे तक, और पूरी दुनिया से ये फिल्म आज अपने चौथे दिन के एंड ऑफ द डे तक 240 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लेगी बहुत आराम से। दोस्तों मूवी अमेजिंगली ग्रो कर रही है, नो डाउट, लोगों की पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो रही हैं और लोग एक फेस्टिवल की तरह मूवी को देखने भी जा रहे हैं और सनी बाजी को काफ़ी अप्रिसिएट भी कर रहे हैं और जनता का प्यार सनी देओल के लिए अनकंडीशनल दिल से निकल रहा है। वहीं बात करें दूसरी फिल्म यानी OMG 2 की, तो यस भोलेनाथ का साथ भरपूर मूवी के साथ चल रहा है। जैसे फिल्म में भोलेनाथ अपनी कृपा दिखा रहे हैं वैसा ही मूवी को आगे बढ़ाने में भी दिखा रहे हैं, क्योंकि सामने गदर 2 जैसी जाइंट मॉन्स्टर बैठी है उसके बावजूद भी। जहां दोस्तों पहले तो OMG 2 को सेंसर बोर्ड ने बहुत लताड़ लगाई जिससे मूवी की इमेज रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप कैटेगरी में काउंट करी जाने लगी थी। फिर दूसरी किस्मत वहां खराब हुई जब मूवी के सामने गदर 2 ने एंट्री मारी और सारी ऑडियंस सारा पब्लिक अपनी तरफ सुनामी की तरह खींच लिया मूवी ने। जी दोस्तों लेकिन अपने कंटेंट के दम पर OMG 2 गदर 2 से टक्कर ले रही है, अपने हिस्से की ऑडियंस अब खींच के ला रही है। भले मूवी ने ओपनिंग बहुत स्लो करी थी, भले OMG 2 की ग्रोथ पहले दिन पर बिल्कुल एवरेज थी, लेकिन दूसरे दिन से मूवी ने पीक पकड़ ली है। मूवी बहुत शानदार ग्रो कर रही है, अक्षयबाजी की मूवी अब ट्रैक में आ रही है दोबारा से और हेटर को करारा जवाब देते हुए फिल्म सुपर हिट का टैग अपने नाम कर रही है। जी दोस्तों मूवी को अमित राय के डायरेक्शन में मात्र 150 करोड़ के बजट पर बनाया गया है, जिसके मेन में आपको पंकज त्रिपाठी अक्षय पाजी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मूवी सोशल कॉमेडी ड्रामा पर बेस है। मूवी को लगभग 1600 स्क्रीन्स दी गई थी अपने पहले दिन से। जी दोस्तों मूवी को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया पहले तो ये कि अगर ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज ना होकर अगर किसी और दिन रिलीज होती तो फिल्म के आंकड़े अभी तक हमें 2 गुने बढ़ोतरी के साथ देखने को मिलते और शायद ये मूवी अभी तक 150 करोड़ के ऊपर जा चुकी होती। लेकिन फिर भी दोस्तों अपने कॉन्टेंट के दम पर इस फिल्म ने काफी अच्छी ऑडियंस कमाई है, साथ ही सभी यूट्यूबर्स ने मूवी को बहुत अच्छे रिव्यू भी दिए हैं और पब्लिक की तरफ से भी काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। जहां दोस्तों मूवी ने ओपनिंग तो स्लो ही करी लेकिन अब रफ्तार पकड़ रही है धीरे धीरे और ऑडियंस अब गदर 2 को छोड़कर OMG 2 की तरफ भी भाग रही है। जहां दोस्तों पंकज त्रिपाठी की परफॉर्मेंस ने सबका दिल लूट लिया, उनकी कॉमिक टाइमिंग ने एक तरफा मूवी में डोमिनेट किया है। ओवरऑल मूवी बहुत शानदार है, आपको बहुत मजा आएगा। जहां दोस्तों एक सॉलिड अपडेट बताऊं तो मूवी ने कल अपने तीसरे दिन को मिलाकर आज पहले 4 दिन तक एक मोटी कमाई करके सेफ जोन में एंट्री मार ली है और यस अपने ओपनिंग डे में लगभग 6 करोड़ की एडवांस कलेक्शन के साथ एक एवरेज ओपनिंग से खाता खोला था अपने ओपनिंग डे में, जो कि 10 करोड़ का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करा था। तो वहीं इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 12.5 करोड़ के आंकड़े को अपने खाते में रखा था। दोस्तों अगर गदर 2 से इस फिल्म का क्लैश नहीं होता तो इंडिया से OMG 2 बहुत मोटी कमाई करती अपने पहले दिन में ही। इसी के साथ दोस्तों दूसरे दिन भी नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15.3 करोड़ के आसपास था और कल यानी तीसरे दिन में भाई साहब किसी ने भी नहीं सोचा था कि OMG 2 इस आंकड़े को भी टच कर लेगी गदर 2 के होने के बावजूद। यहां दोस्तों संडे का एडवांटेज लेते हुए OMG 2 ने भी 19.5 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रखा था कल अपने एंड ऑफ द डे तक। इसी के साथ कल तक पहले 3 दिन का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी का 46 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लिया था। दूसरी तरफ हेटर्स का कहना था कि कल तो संडे था इसलिए ग्रो करगी, औकात तो मंडे को पता चलेगी, लेकिन अनबिलीवेबल दोस्तों आज भी मॉर्निंग से ही सॉलिड ऑक्यूपेंसी रेट से अपना खाता खोला है मूवी ने। 20-30% की ऑक्यूपेंसी रेट के साथ आफ्टरनून और इवनिंग में भी काफी सोज अपने खाते में रखते नजर आ रही है मूवी और आज सिर्फ नेट इंडियन कलेक्शन अपने पहले दिन के बराबर 10 करोड़ के आसपास करते नजर आ रही है और एंड ऑफ द डे तक 56 करोड़ का टोटल नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी कर लेगी आज पहले 4 दिन के कलेक्शन को मिलाकर। इसी के साथ एंड ऑफ द डे तक ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 66 करोड़ के ऊपर सेट कर देगी मूवी और ओवरसीज से 11 करोड़ का आंकड़ा अच्छी तरीके से चुराकर यह मूवी आज चौथे दिन तक 78 करोड़ के आंकड़े को आराम से क्रॉस कर लेगी, नो डाउट। और फिर कल तो 15 अगस्त है ही, तो कल एक बार फिर से बड़ा एडवांटेज मूवी अपने खाते में रखते नजर आएगी। दोस्तों मूवी को पब्लिक की तरफ से काफी अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो मूवी अपने पहले हफ्ते में धमाका करने वाली है, नो डाउट। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी गदर 2 और OMG 2 को देख लिया है तो मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। और क्या गदर 2 पठान का भी रिकॉर्ड 1000 करोड़ क्रॉस कर पाएगी या नहीं, पठान मूवी को खदेड़ पाएगी या नहीं, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर देकर जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।